एवरीवन, दिस इज कामरान शेख और आज मैं एक इवेंट पे आया हूँ। एक सैलून का लॉन्च है और ये लॉन्च सैलून का कम लग रहा है, कुछ और ज़्यादा लग रहा है। इट इज़ गोइंग टू बी सो एंटरटेनिंग। और इस अमेजिंग इवेंट को जो ऑर्गेनाइज किया है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो कि अभी बहुत बिजी हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ही इज सो बिजी राइट नाउ। मोइन, हाय, ठीक ठाक, आप सुनाए, क्या हाल है? सो मच, आप सबसे पहले तो इवेंट के अंदर आए और आप प्लेजर को चार चांद आपके आपके इवेंट पे ना आए, ये कैसे हो सकता है? यू नो दैट आप बहुत एंटरटेनिंग है यार, हमेशा से आते हैं और हमारी हमेशा की तरह एक छोटी सी कोशिश थी अच्छा पीआर और इवेंट करने का। अभी आप यहाँ पे म्यूजिक भी है, यहाँ पे लाइव बारबेक्यू है, यहाँ पे कोई आई थिंक सिंगिंग भी है, यहाँ पे कवाली नाइट भी है, ब्लॉगर्स आए हुए हैं, टिकटॉकर्स आए हुए हैं, यहाँ पे सेलिब्रिटीज आई हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी भाई। आप प्लीज सबके साथ अपना व्लॉग बनाएं एंड प्लीज एंजॉय। हेलो शिजा, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, चलती जाओ आगे, मैं तुम्हारे पीछे पीछे और तुम आगे आगे। ये शिजा जो है आज इवेंट को होस्ट भी कर रही है और मैं इसके बिल्कुल पीछे भाग रहा हूँ, ये मेरे हाथ लग जाए और मुझसे दो अच्छे हाथ लग जाए, इन्हीं के साथ मैं आई हूँ इस इवेंट। ओह रियली, अच्छा। सो आज हम आपके साथ इस इवेंट पे आए हैं, कैसा लग रहा है आपको मेरी कंपनी में? आपने वैसे तो होस्ट करना, आई नो आप खुद बहुत एंटरटेनिंग है, लेकिन मेरे आने से कुछ स्पेशल अगर आपको फील हुआ हो तो जरूर बताइए। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है कामरान कि आप आए हो, आप मुझे लेकर भी आए हो आज। और ये है कि आपकी आमद तो हमेशा बाइक से शर्फ होती है हरी। ओहो, इतनी हैवी उर्दू ये कहाँ से आ रही है? ये आजकल ना एक ड्रामा कर रही है इसीलिए इसको इतनी उर्दू चढ़ी हुई है, क्या ख्याल है? हाँ जी, ऐसी है। नहीं, आजकल मैंने सोचा है कि क्योंकि मैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री का एक पार्ट हूँ तो मुझे उर्दू पे ज्यादा फोकस देना है। ठीक है। अच्छा शिजा, मुझे ये बताओ कि इस तरह के इवेंट्स में जब होस्टिंग करती हो तो अपने लिए कोई टाइम मिलता है, यू नो, एंजॉय करने का, एंटरटेन होने का इवेंट में, या फिर यू जस्ट फोकस ऑन योर वर्क? देखो कामरान, अगर कहीं फ्रेंड्स वगैरह ना आए हो तब तो बोर हो जाती हूँ, क्योंकि हर वक्त लेट्स सी क्या होता है। आप गाना भी गा दीजिएगा, एक गाना मुझे भी सुना, या स्टेज पे सुना दो। नहीं, अभी सुनाओ अभी कुछ, थोड़ा सा कोई भी, एनीथिंग। अभी ना जाओ छोड़ कि दिल अभी नहीं जाऊंगा, अभी तो मैं आया हूँ, अभी नहीं जाऊंगा, डोंट वरी, यहीं पे रहूंगा तुम्हारे पास। अब मैंने एक बहुत ही सिजलिंग किस्म की, गॉर्जियस किस्म की एंकर को देखा और मैंने इनसे कहा कि सना, तुम सबसे खूबसूरत लग रही हो आज। सो सना, क्या हाल है? थैंक यू सो मच, पहले तो कॉम्प्लीमेंट के लिए, और मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। आई एम गुड, कैसा लग रहा हूँ मैं? मेरी भी तारीफ करो यार, मैंने तुम्हारी भी तो की थी। जी, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा सना, मुझे ये बताएं कि आप इवेंट पे आई हैं आज और हमारे फ्रेंड ने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, एंड आई नो दैट ही इज सो एंटरटेनिंग कि ये अपने तमाम गेस्ट को, यू नो, उनके लिए माहौल बनाता है। सो मुझे ये बताओ कि इवेंट पे आप जाती हो, व्हाट इज द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट गोइंग टू एन इवेंट? आपके लिए क्या एक्साइटिंग होता है? इवेंट के लिए सबसे एक्साइटेड वो मेरी चीज़ होती है कि जो मुझे इनवाइट करते हैं वो मेरे लिए बहुत खास होते हैं, तो हर इवेंट पे जाया भी नहीं जाता, तो जो मेरे लिए खास लोग होते हैं मैं उनके इवेंट पर जाती हूं। मतलब अगर आपको कोई प्यार से बुलाए तो आप जाती हैं? हाँ, और वो स्पेशल होने चाहिए। अच्छा गाइज, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी मॉडल हैं, एंकर हैं, एक्टर भी हैं, और आपने इनको जियो खबरनाक में देखा होगा। सो मुझे ये बताओ कि एक्टिंग का सीन कैसा चल रहा है आजकल? एक्टिंग तो अभी बेसिकली खबरनाक में की जा रही है, अभी इंशाल्लाह प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कराची जाएंगे और देखेंगे क्या है हमारे लिए कराची में। कराची की लाइफ बहुत टफ है, ये मैं आपको बता दूँ। आई नो ओके, you are ready to take the challenges of yeah, the acting world. I am in. wow. acha meri to ek aadat hai, main jab bhi kahin jata hu, main khud bhi actor hu, to mera dil karta hai, you know, kisi se thodi si acting karke dikhaun. I want to see that. to ab aap mujhe
कुछ दो लाइंस अपनी फेवरेट फिल्म की कोई डायलॉग बोल के दिखाएं, फिर हम चेक करते हैं कि आपकी एक्टिंग कैसी है। आ जाएं, करीब आएं जरा। देखिए अभी मुझे डायलॉग कोई भी याद नहीं है, लेकिन मैं जो भी एक ऐसे रैंडम याद है मैं बता देती हूँ। दीपिका मेरी फेवरेट है, okay. उनका मुझे बचपन से एक डायलॉग सुना हुआ है। कौन सा? वो सिंदूर वाला। ओहो, मैं शाहरुख खान बन गया हूँ फिर, इसका मतलब क्या बन गया? शाहरुख खान बन गया हूँ, है ना? चले आप डायलॉग बोलो। इवेंट होस्ट करना हमने, आपने कहाँ पकड़ लिया? बस मैंने इनसे थोड़ी सी एक्टिंग करवानी थी, वो तो मैं करवाऊंगा ना शिजा, मुझे अब करवाने दो यार प्लीज। एक चुटकी तंदूर की कीमत तुम क्या जानो कामरान बाबू। ओह माय गॉड, कामरान बाबू आगे। आई डोंट फॉरगेट, यही इतना ही। औरत के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। Yeah, it's fun to have you right here and I hope that you enjoy the event. तो मिलता हूँ और देखता हूँ इनकी होस्टिंग कैसी है, अभी देखते हैं। मेरी एक बड़े एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि बहुत ही ऐसे लोगों को आप लोग यू नो इतनी हाइप दे रहे होते हैं, जो कि ठीक है ट्रेंड में होता है, लेकिन जो टैलेंट है, ये जो टैलेंट है, thank you, एक परफॉर्मर भी है, एक एक्टर भी है, एक अच्छा बोलता भी है, ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा, तो एक ऑल इन वन जब आपको पैकेज मिल रहा है तो कहीं और क्यों जा रहे हैं यार? कामरान शेख फिल्म्स को सब्सक्राइब करें, आपको मेरी बात सुनो, मेरी तो बहुत तारीफें की हैं आपने, डांस तो आप भी बहुत कमाल करते हैं, और जिस इवेंट में ये जाके डांस कर देते हैं लोग पागल हो जाते हैं, इनके फैन हो जाते हैं, और जब हम दोनों मिलके डांस करते हैं तो चार चांद लग जाते हैं। जनाब हमारी अदाएं इनकी एनर्जी है भाई, नो वन कैन बीट कामरान एनर्जी, एंड विल बी लुकिंग फॉरवर्ड। काफी टाइम हो गया हम लोग एक साथ नाचे, तो कोई प्लान करेंगे तो जब नाचेंगे तो आप लोग भी। अच्छा मुझे ये बताओ कि इवेंट में जाते हो तो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग क्या होता है? इज इट लाइक द पार्ट ऑफ डांसिंग? यार इस इट द म्यूजिक, ये म्यूजिक अच्छा, क्योंकि हम एक आर्टिस्ट लोग होते हैं, अगर हम कुछ नहीं भी कर रहे ना, हम दिल ही दिल में नाच रहे हैं। सही है, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे भी कोई गाना गाएगा तो हम तो अंदर से शुरू हो जाएंगे, हम एक आर्टिस्ट है, कोई पंजाबी जो लव्स होता है चाका, और चाका खुले ऐसी आर्टिस्ट बंदे ऐसी एंजॉय कर दें। चलो आई होप दैट यू एंजॉय दिस इवेंट, एंड डांस तो फिर हमने करना है यार, इंशाल्लाह जरूर। और आपको भी भेजेंगे। बैग्स की तारीफें हो रही हैं। यस वी आर सेम बैग बट नॉट सेम स्टाफ। यार लड़कियों को बैग्स का बड़ा शौक होता है। हमें हर लक्ष्य की चीज़। कितने बैग्स हैं आपके पास? कितने बैग्स इकट्ठे कर चुकी हैं अभी तक? नहीं इतने से कलेक्शन नहीं है, लेकिन जो न्यू ट्रेंड में आता है मैं लेती हूँ, बैग तो मैं न्यू लेती हूँ। 100 तो हो गए होंगे? नहीं इतने अभी नहीं है। किसी ने गिफ्ट दिया किसी खास इंसान ने? खास नहीं कह सकते, अच्छा मिलते रहते हैं। वाह, और आप? अभी देना है, मैंने लिया हुआ भी दिया नहीं। अच्छा आपने भी देना है इनको एक सरप्राइज था, लेकिन अब आपने वीडियो में आप गुची का देंगे या वर्साची का देंगे या लुई विटॉन का देंगे? मैं गुची नहीं, मैं अरमानी का दूंगा। वाह, और अपने अरमानों से दूंगा। दिल जी शिजा आप बताएं आपके पास कितने बैग्स हैं? मेरे पास 11 बैग्स हैं। और तोहफे में कितने मिले? सारे ही तोहफे। वाह, आप खुद नहीं खरीदेंगे? बैग लेकिन मुझे ना मुझसे पूछ लिया जाता है मेरी चॉइस का, क्योंकि अगर मुझे पसंद ना आए तो, क्योंकि मैंने इवेंट्स पे कैरी करना होता है तो मुझसे पूछ लिया जाता है, और मुझे ब्रांड्स वाले देते हैं। चले एक गिफ्ट मैं भी फिर आपको दूंगा, ठीक है? तेरा फिक्र रवे मैनू, कोई दुख तो नहीं तैनू, तेरा फिक्र रवे मैनू, तेरा किवें लगया होना दिल मेरा तां लगे ना तेरे बिनु, मैनू छेती छेती मिल ढोले पूरा लंदन धमकदा, ओ जदों नच्चे पैर
रेडी हो गए, वन टू फलक बैठना नहीं है, इधर आ शीजा कहाँ चाहिए, वन टू थ्री फोर लट्ठे दिचाते सने माया आओ सामने सना कम ऑन द स्टेज सुमेर वहाब एंड वन एंड ओनली कामरान एंड सलार इधर आए सारे अब सामने तो ना तेरे से तेरा लाख माहिया ऐसे अपा हो ला उस टिकते पटुना वजदी लेके वार जरिया कबूतर वर्गी फिर दी गुलाबी शेर का रंग है बिरंगी Okay, so right now I am with a very dear friend. ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, मुझे याद है इन्होंने जब एक्टिंग स्टार्ट करनी थी, आई थिंक 5-6 साल गुजर गए हैं इस बात को, तो इन्होंने शी इज़ नाउ अ ग्रेट सिंगर, ये सिंगर बन चुकी हैं और इतने अरसे के बाद मैं इनसे मिला हूँ, इनके गाने भी सुनता हूँ और अभी मैं इनसे एक गाना तो ज़रूर सुन के जाऊँगा जी। आप कोई फरमाइश कर सकते हैं? आप मेरे लिए जो भी गाएँ, आई विल बी सो हैप्पी।
आप कुछ भी गा सकती हैं। आगे आ जाएं लाइट की तरफ, इधर आ जाएं। अच्छा जी, हम एक गाना सुनाएंगे, इंडियन चलेगा या पाकिस्तानी? कोई भी, कोई भी। देखें इनका एक्सपीरियंस अच्छा है, ये अच्छा गा रही है मेरे लिए। ये बेसिकली मेरा गाना ही गा रही है। चलिए आपको वो गाना सुनाते हैं जो कि आपने सुना भी होगा। हाँ, जो आपने अभी अभी गाया है, लॉन्च किया है, दैट वाज अ रियली नाइस सॉन्ग। दुखी बना हूँ मैं छुपा ले, नादर में आओ दूरियाँ। बर्थडे स्टार्ट हो गई है, ओ सॉरी, लॉन्च स्टार्ट हो गया, जल्दी आ जाए। सो फाइनली हमें खाना मिल गया है और खाना हमारी मर्जी का है, इट्स वेरी टेस्टी, इट्स बारबेक्यू, और हमने बहुत इन्जॉय किया। आज गर्मी भी बहुत थी, लेकिन हम लोग जब इकट्ठे होते हैं तो फिर फिर हर जगह बारबेक्यू है ना। इस वक्त हम लोग इवेंट से वापस आकर कड़क खेल पे आए हैं और मौसम कुछ ऐसा बड़ा रोमांटिक टाइप सा मौसम है। और ये देखें, ये भी बड़ा रोमांस। Wow, amazing! ऐसा कोई नहीं करता। हम चले, ओ हमसे सनम।
कितने दिन? 4 दिन है ना? 6 दिन। चाहे जो भी हो तू बस दे दे मेरा साथ। ये पुकारा है हाँ अब तो चले आओ, आओ विश्वम की बूंद बरसती है, मौसम इशारा है हाँ अब तो चले जैसे हाल हुआ हुआ मुझे भी प्यार तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ जब से मिला हुए तुम जो दिल की आरज़ू, तुम पास हो के भी तुम सांस हो के भी एहसास हो के भी अपने नहीं ऐसे हम सो गिरे तुमसे न जाने क्यों है फासले तुमसे न जाने क्यों बेइंतहा क्यों प्यार कर कोई कसर ना रहे मेरी कब्र ना रहे छूने मुझे सदन जब 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 सांसों में तेरी सांसें मिली तो दिल लगने लगे अरफास भीगे भीगे क्यों अब होश में तुम्हें कहा अब होश में मखमली रात की हो ना सुबह जब सिए जब सिए गए हैं हो में तेरी अजब सिए गए हैं दिल को बना ले जो पतंग सांसे मेरी वो बनाए हवाओं से याद आया हवाओं में बहेंगे गड़ाओं में रहेंगे दीवानी तो मेरी मैं तेरा बादल पिया जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहे दीवानी तो मेरी मैं तेरा बादल पिया हजारों में किसी को तकदीर मिटा सुलंक नहीं
इश्क है पागल पिया वो जब जब चांदनी रात देखता है हर कोई इंसान तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा साथ वो जब जब देता बात जब जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा जाने प्यार मेरा मैं करूं इंतजार तेरा तू दिल तो यूं जाने क्या बात है क्या बात है मैं तेनू समझावां की ना तेरे बाजू नहीं बाजी तू की जाने प्यार मेरा मैं करूं इंतजार तेरा तू दिल तो यो जान मेरी मैं तेनु समझावा की ना तेरे बाजू नहीं बाजी क्या बात है।